बहराइच, तेंदुए ने बुजुर्ग पर किया हमला। घर के बाहर तेंदुए के हमले से दहशत में ग्रामीण। सुजोली रेंज के धनियाबेली गांव का मामला। घायल बुजुर्ग को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर किया गया रेफर। बहराइच जिले के मोतीपुर तहसील अंतर्गत विकासखंड मेहनपुरवा के सुजोली रेंज अंतर्गत आने वाले धनियाबेली गाँव में बुजुर्ग लाला पुत्र भगवती पर तेंदुए ने घर के बाहर हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल लाला पुत्र भगवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? लाला। कहां रहते हैं? धनियाबेली। अच्छा, ये बताइए क्या हुआ था आपके पास? बाघ नोचे, तेंदुआ नोचे से। अच्छा, तेंदुआ नोचा है। अच्छा, कहां कहां चोट आई है? हाथ में है और पैर में। अच्छा, हाथ पैर में है। किसी डॉक्टर को दिखाया? हेमोरेज का दिखाया। अच्छा, गए थे निजी चिकित्सक के यहाँ? अच्छा, इससे पहले भी आपके क्षेत्र में तेंदुआ आ चुका है? हाँ, आ चुका है। कुछ नुकसान भी किया था? नुकसान तो यानी घर के आसपास आपके तेंदुआ आ जाता है? हाँ, आ जाता है। आज घर के बाहर ही हमला किया है आपने? हाँ, बिल्कुल करीब में, घर के पास में, घर के सामने। हाँ? हाँ। क्या नाम है आपका? निशा यादव। गाँव का नाम? मेरे गाँव का कारीकोट लोहरा। जी बताइए, तेंदुए ने हमला किया है और क्या कहना है आपका इस मामले पर? जी सर, मेरे पास आज कई दिन से फोन जाता था कि यहाँ पे उपागर नेता जी आप आ जाओ, यहाँ पे शेर बहुत हमला कर रहा है, क्या करें हम लोग। तो हम वन विभाग वाले को सूचना दे रही थी और वन विभाग वाले बोले कि पीपा डब्बा बजा करके हटा दो शेर, यानी हाका लगा के भगाइए तेंदुआ। जी सर, उसके बाद उसका कहते हैं कई गाय को यहाँ मार दिया, बच्चिया बंगले में काट दिया, कई भैंस को मार दिया। उसके बाद जब आज फिर उसको नोचा, तब मेरी लड़की ने, यही मेरी लड़की के ससुर को नोचा है, तब मेरी लड़की ने सूचना दी कि उसका कहते हैं मम्मी जी जल्दी आ जाओ, और मेरे ससुर को शेर नोच दिया। तब मैं आ करके पहुंची, फिर डेफो को फोन की, तो डेफो जी ने मेरे सबको फोन किया, वन विभाग वाले को, कि तत्काल वहाँ पहुँचिए। अच्छा, इससे पहले भी यहाँ पर तेंदुआ हमला कर चुका है? जी, बछिया और गाय को, भैंस को पे हमला किया, यानी आए दिन समस्या बनी रहती है। आए दिन समस्या बनी रहती है, न इस गांव में कोई सुरजा है न लाइट है, आप देख लिया जाए कि एकदम अंधेरा पड़ा हुआ। अच्छा, तो आप लोग की वन विभाग से क्या मांग है? जी, हम लोगों की मांग ये है कि उसका कहते इस गांव का कोई सुविधा दिया जाए, इस गांव में यानी आप लोग वगैरह का कोई सुविधा दिया, बचाव के लिए, तेंदुए से बचाव के लिए, कि मतलब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमेशा उसका कहते हैं अंधेरा पड़ा रहता तो कोई घटना घट सकती है, तो उसके लिए कोई वो दिया जाए। संतोष कुमार है। कहाँ के निवासी हैं? हम कारीकोट के निवासी हैं। हमको यहाँ कई दिनों से सूचना मिल रही है, एक हफ्ते से, कि यहाँ तेंदुए का हमला बहुत ज्यादा हो रहा है, कई गाय के बच्चियों को भी मार चुका है। इससे पहले आपने किसी को सूचना दी? हाँ, सूचना दिया है, विनोद वाचर को दिया है। विनोद वाचर जी को। तेंदुए के हमले की सूचना पाकर काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ भी एकत्र हो गई। इस दौरान सूचना वन विभाग को भी दी गई। मौके पर पहुंचे वन दरोगा अनिल कुमार पटेल के द्वारा तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से घायल लाला को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। तेंदुए के लगातार बढ़ते हमलों से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों ने इस दौरान मांग की कि तेंदुए के हमले जहां जहां हो रहे हैं वहां पर सोलर लाइट और गोले पटाखे वितरित किए जाएं, जिससे ग्रामीण अपना बचाव कर सकें। मामले की सूचना पाकर वन दरोगा अनिल कुमार पटेल, वन रक्षक दयानंद वाचर बेफाई के साथ काफ़ी संख्या में वनकर्मी मौके पर पहुंचे और तेंदुए से बचाव हेतु ग्रामीणों को वनकर्मियों के द्वारा जागरूक किया गया है।